पे देखेंगे सर, लुक लुक या मैम यहाँ पे सर 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 डन, थैंक यू। क्या बात है, नया शुरू होने जा रहा है सर, थोड़ा सा बताइए कि क्या मोटो होगा एचएन के म्यूजिक का और कौन से तरह के गाने आने वाले हैं? देखिए, जो हरीश शर्मा जी हैं ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बड़े भाई हैं, और हम लोगों ने साथ में लगभग 3 फिल्में बनाई हैं, 2-3 एल्बम पहले बहुत बड़े किए हैं। काफ़ी दिनों बाद हम लोग दोबारा साथ में जुड़े हैं, तो ऐसे ही डिस्कशन हुआ कि हम म्यूज़िक पे काम करते हैं, तो एच एंड के म्यूज़िक करके हमने एक ये लेवल अपना लॉन्च किया है। और अमन हमारे लिए बड़ा लकी इंसान है, मेरा जो भी मुहूर्त होता है वो बिना अमन के नहीं होता, और अमन के संग मुहूर्त होता है तो मेरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाता है। तो अमन मुहूर्त बॉय है ना। तो इस तरह से हमने आज ये एच एंड के म्यूजिक की शुरुआत की, आप लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसमें हम बहुत ए क्वालिटी का म्यूजिक बनाएंगे, वैसे भी आप लोग मेरे सब हिट गाने सुनते रहते हैं, बहुत सुने हैं, तो इसमें हम ए क्वालिटी का म्यूजिक बनाएंगे, ए क्वालिटी के वीडियोस बनाएंगे, वेब सीरीज भी बनाएंगे, और 2 प्रोजेक्ट हमारे फिल्म प्रोडक्शन के भी चालू हो रहे हैं। तो एक बड़े लेवल पर हम काम करेंगे एच एंड के म्यूजिक में, जिसमें नए टैलेंट को भी और अच्छा इस प्लेटफॉर्म मिले, और बाकी सब जो अपने जो दोस्त लोग हैं वो साथ साथ जुड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सर, सर ने बताया कि बहुत नए नए तरह के गाने आने वाले हैं, लेकिन एच एन के म्यूजिक का मोटो क्या होगा, और थोड़ा सा अगर आप बताए उस बारे में? और मोटो तो म्यूजिक का जो सिस्टम अभी चल रहा है, जो नए गाने आ रहे हैं पॉप म्यूजिक के, जो रिमिक्स बन रहे हैं, तो अब मेरा मेन मोटिव है कि हमारा रास्ता नहीं म्यूजिक है, उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि राजस्थान में अभी तक कोई इस तरह की कंपनी बनी नहीं है, तो वहाँ के कुछ कलाकार हैं उनको भी इंट्रोड्यूस हमें करना है, और जो वहाँ का लोकल म्यूजिक है जो अभी तक शायद फिल्म इंडस्ट्री में इतना वो नहीं है, जबकि बहुत हिट गाने आज तक राजस्थान में बने हैं, और राजस्थान फॉक म्यूजिक बड़ा फेमस हुआ, लेकिन उसको अभी तक प्लेटफॉर्म मिला नहीं, तो मेन मोटिव वो है। हरीश जी हमारे राजस्थान से आते हैं, तो और भी बॉम्बे में भी हैं, जयपुर से, तो हम जो है जयपुर की खूबसूरती भी दिखाने की कोशिश करेंगे, उस म्यूजिक को भी और प्रमोट करेंगे अच्छे से। अमन, आपसे जानना चाहूँगा, आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का गाना था, और जैसे सर ने कहा कि राजस्थानी टच हर गाने में होगा, तो थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा और गाने के बारे में। ये गाना बहुत ही रोमांटिक, बहुत सुरीला, बहुत इसके जो लिरिक्स हैं, जो शब्द हैं, बहुत गहरे हैं, बहुत जज्बाती हैं, और प्रवीण भाई के साथ जैसे उन्होंने कहा मैं मुहूर्त बॉय हूँ उनका, तो इनका बेस्ट गाना मुझे मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्चुअली हम लोगों का ऐसा रिलेशनशिप है अभी तक ऊपर वाले की दुआ से कि जो भी जुड़ाव होता है जिस भी प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट हमेशा अच्छे से निकलता है और लोगों को बहुत पसंद आता है, लोगों के दिलों तक पहुँचता है सबसे बड़ी बात। और हरीश जी के साथ मेरा जुड़ना यहाँ पे हुआ है, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, कोइंसिडेंस ये है कि मैंने रात को ही एक अमन का गाना शूट किया है मड आइलैंड में, 5:30 बजे लौट के आया हूँ, सवेरे से अमन के गाने में फिर लग गया। तो जो प्रवीण जी के गाने 365 दिन में से 360 दिन मेरे जहन में घूमते रहते हैं सारे गाने, और ये जो आज गाना है ये बहुत इसमें सारे टाइप का मॉडर्न फील भी है। हाँ जी, मुखड़ा जो बरसात में तो तुम आए नहीं, क्या क्या किससे हुए तुमने सुनाए नहीं, चलो रिपीट करना, बरसात में तो तुम आए नहीं, क्या क्या किससे हुए तुमने सुनाए नहीं, चलो अब दिल को और बेकरार करते हैं, अगली बारिश का इंतजार करते हैं। बादल तो आज से ही होने लगे हैं। तो ये थोड़ा आप सुन के आपको एक पुराने जमाने की फील भी आएगी, और जो अरेंजमेंट है उसमें एकदम मॉडर्न ढोलक भी है और साथ में मॉडर्न फील भी है, शूट तो शूट भी इसको बड़े बखूबी तरीके से किया जाएगा, तो सब पैकेज है इसमें। जो है फीचर जो लड़की है वो डायना खान हो रही है, और जो बहू बेगम में लीड रोल में है वो उसको डायना खान को इसमें फीचर कर रहे हैं इस गाने में। सेकेंड सॉन्ग भी हम शायद 16 तारीख को कर रहे हैं, वो अपने ही दोस्त, वो भी अपने बहुत अच्छे, वो भी अपना गुड बॉय एकदम शबाब साबरी गा रहे हैं, जिनके गाने आपने सुने होंगे,
और उस गाने में एक आयशा नाम की लड़की जो दुबई से अभी आई है उसको हम जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस गाने में आयशा को। सर आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों जो है लोग इन्फ्लुएंसर्स को लेना चाहते हैं गाने में ताकि व्यूज ज़्यादा आए गाने में, तो उस चीज़ में किस तरह का टारगेट है? और ये तो डिपेंड करता है गाने के ऊपर आपका क्या, आप किस तरीके का बना रहे हैं। ऐसा नहीं, नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करना है तो उनके लिए फिर कैसे किसी तरह का देखो आर्टिफिशियल काम नहीं करना है। अगर हमारा टैलेंट और हमारा काम अच्छा होगा, अब यूज़ तो आजकल पैसे देके भी बढ़ते हैं, ये सब तमाशेबाजी हो रही है, तो हमें बड़ा प्योरिटी के संग काम करना है। नए लोग कैसे इंट्रोड्यूस होंगे? नहीं, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में मतलब जो है गिरावट हो रही है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम टेंशन मत लो, एकदम क्वालिटी काम करेंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे। सारे गाने आ रहे हैं, इतना ज्यादा प्रोजेक्ट बन रहा है कि मतलब खुशी मत नहीं, लेकिन आ रहे हिट भी हो रहे हैं ना, इंडस्ट्री तो बढ़ी रही है, सोर्स भी तो बढ़ गया है ना। आदमी मुझे लगता है हर आदमी 7-8 घंटे यूट्यूब पे रहता है, 7-8 घंटे। पहले तक गाँव में इस तरह के वीडियो सुनता ही नहीं था। उसके अलग चैलेंजेस हैं वो जितने जितने बड़े, क्योंकि फिल्म के गाने में बहुत सारी, और बड़ी फिल्म के खासकर गाने में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बड़ा है, स्टार बड़ा है, एक्टर बड़ा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके कुछ डिमांड्स होती हैं, उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। वहाँ पे जो है स्कोप बहुत कम है कि आप अपना जो है एक्सप्रेस कर पाओ खुल के। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में एक्सप्रेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैं प्रवीण जी के गाने में 4 मुर्गियाँ एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, लेकिन मैं वही हुक्का बार में नहीं ले सकता, या कोई और फिल्म के बड़े गाने में नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पे लोगों का सदा सदा है मामला है कि यही चाहिए हमें, यही चाहिए। तो बहुत जो है वो मेंटल खेल है, एक दिमाग का, एक सोचने का नज़रिया है, तरीका है जो बदलता है। इंडिपेंडेंट में एक आर्टिस्ट के लिए स्कोप बढ़ जाता है कि वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इसलिए जैसे इन्होंने कहा कि इतने सारे गाने आ रहे हैं और इतने सारे आपने कहा हिट भी हो रहे हैं, तो गाने इंडिपेंडेंट का सीन बहुत बढ़ गया 90s में। जैसे आपने तो काम इतना किया है, सोनू भाई, शान दादा, के अलीशा चिन्ना, ये लोग नाम तो हाउस होल्ड नेम बने पॉप से, पॉप कल्चर से, इंडिपेंडेंट से, फिर ये मूवीज में आए, म्यूजिक में आए, बॉलीवुड में आए, तो अभी वापस से वो सीन रिवाइव हो रहे हैं। और म्यूजिक तो बहुत बढ़ रहा है, 2300 रुपए का शेयर 5000 रुपए का है सारे गामा का। आप देखो म्यूजिक इंडस्ट्री कहाँ से बात की, बड़ा म्यूजिक लेवल है, उनके पास तो बहुत बड़ा बजट होता है। हम हो जाएंगे बड़े, आशीर्वाद दो। सारे गामा ने शुरुआत कैसे की थी? हम बड़े, हम 250 स्क्वायर फीट का ऑफिस था उनका जब इन्होंने शुरुआत की बॉम्बे। टी सीरीज के संग कोई बड़ा नाम नहीं जोड़ा था जब शुरू हुआ था, नदीम श्रवण नहीं थे, आनंद मिलन नहीं थे, कुमार शानू नहीं थे, सब शुरुआत ऐसे ही होती है। हमारे संग तो बहुत बड़े बड़े नाम फिर भी जोड़ना चाहिए। अभी जो मेरे सब टॉप 10 सिंगर्स की लिस्ट है अच्छी है, हो जाए। हरी सर आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों जो है बहुत सारे एल्बम्स को जो फिल्म म्यूजिक है उसके अंदर उतारा जा रहा है, तो क्या फिल्मों के साथ कोई कोलैबोरेशन हुआ है ताकि जो इंडिपेंडेंट सॉन्ग है वो फिल्म में भी आ सके? करेंगे, तो सर आपका कोई कोलैबोरेशन हुआ है? अभी अमेज़न से बात चल रही है हमारी, उन्होंने हमें टाइम दिया है, अगर आपका सॉन्ग होता है तो कर सकते हैं। अमेज़न से टाइप चल रहा है। ओके, और कौन से गाने? लेकिन वो सिर्फ वीडियो में, कोई फिल्म में नहीं है। ओके, और आगे और कौन से गाने लाइनअप है और अभी हमने एक लिस्ट जो सिंगर्स के साथ बना रखी है, उसमें पहला गाना हमने अभी अमन का किया है, अमन के बाद हम एक गाना शबाब शाहदी का गाना कर रहे हैं, शबाब शाहदी के बाद में फिर हमारी मेरी शान से बात हुई है, शान के साथ गाना कर रहा हूँ, और ऐसे हमने सबके जितने मेरे दोस्त हैं सबके संग गाना वर्कआउट हो गए हैं और सब आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी हम आपको बुलाते जाएंगे, कॉफ़ी चाय पिलाएंगे सर। आजकल पता नहीं क्या लोग फीमेल सॉन्ग सुन ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया लोग। राजस्थानी की बात है तो हाँ, आज जो वो हम एक अलग डिवीजन पूरा रखेंगे, ये हमारे एक मास्टर डिवीजन हो गया बॉलीवुड वाला, वो एक हम अपना रीजनल डिपार्टमेंट एक अलग रखेंगे जिसमें वो सब चीजें होंगी, इसमें हम फोकस करेंगे। सर लेकिन फिर भी क्या लगता है कि कितना जरूरी है एक लार्जर लाइफ में स्टेट करना,
चीजें ऑर्गेनाइज आपको लगती है म्यूजिक इंडस्ट्री में कि और भी बेहतर होना चाहिए? अभी तो भैया इतना बेहतर अच्छा हो गया, एक बात बताओ, पहले कैसेट की डुप्लीकेट सी होती थी, चोरी होती थी, ये होती थी, सब ऑनलाइन है, एक एक रुपया प्रोड्यूसर के हाथ में जाता है, इससे ज्यादा अच्छा टाइम क्या हो सकता है? आयशा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और जो है उस गाने को शबाब साबरी गा रहे हैं, मैं मुखड़ा गुनगुना देता हूँ उस गाने का। हाँ ये नजर तेरी जब से दिल पे गिरी, हाँ ये नजर तेरी जब से दिल पे गिरी, जी लूं तेरे बिना इतना बुदम नहीं, तू खुदा अगर नहीं तो खुदा से भी कम नहीं, तुम खुदा अगर नहीं तो खुदा से भी कम नहीं। ये हम एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं इस गाने को, और ये गाना हम 16 या 17 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से, इसको करें, इसमें आयशा फीचर हो रहे हैं। आयशा जी आपके पास थोड़ा सा तो फर्स्ट सॉन्ग डायना का है, सेकंड सॉन्ग आपके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। ये आयशा जी दुबई में रहती हैं, और इन्होंने दुबई के जो फोक म्यूजिक रहते हैं वहाँ से इन्होंने जो है काफ़ी वहाँ पे इन्होंने काम किया, तो वहाँ से कुछ वीडियोज़ इनके मेरे पास आए थे, तो मुझे दिखाए वीडियो, तो उस वीडियोज़ में इनका डांस और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एक कोई सूफी टाइप का गाना इनके ऊपर शूट करते, तो वहाँ से हमारा प्लान बना था, एक वीडियो फ्रेंड ने भेजा था, तो इस तरह से उस चीज़ को फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। और कहाँ पे शूट करने का प्लान है? ये शूट हम इसके लिए लोकेशन हम कोई बहुत अच्छी ढूंढ रहे हैं, जो पैलेस वैलेस टाइप की लोकेशन है, मन हुआ तो हम जयपुर जाके शूट कर सकते हैं, जयपुर हरीश जी का है, या हमें उससे मिलती जुलती लोकेशन बॉम्बे के आसपास मिल जाती तो वहाँ उसको शूट कर लेंगे। थैंक यू।